हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दिन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गायत्री काम कर रही है नीचे। ऊपर भी मैंने बहुत, मेरे लिए जैसे बच्चे हुए हैं तो मेरे लिए काम बहुत एक्स्ट्रा हो गया है। हमको अलग से ही उस रूम में झाड़ू, क्योंकि वो किसी को आने नहीं देती है, तो उस रूम में झाड़ू पोछा सब हम ही लगाते हैं, हर चीज़ हम करते हैं, उसके खाने का ध्यान, हर मतलब बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ गया है। मैं काम में बिज़ी रहती हूँ इसलिए मैं टाइम पर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए आज मिलते हैं अभी थोड़ी देर में ऊपर चलकर और नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चने की दाल रात भर भिगा कर रखे थे और ये मूंग की दाल रात भर भिगा कर रखे थे। इसमें मैंने मिर्च, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा बेसिक मसाला मैंने डाला है। अब इसको मैं पीसूँगी, फिर उसके बाद मैं चीला बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। यहाँ पर देखिए, ये इसका बैटर है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे ये बन रहा है और यहाँ ये एक बन चुका है और ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है। आप लोग भी बनाइए और आप लोग भी खाइए। इस पे मैं दाल बना रही हूँ और इस पे दूध उबाल रही हूँ मैं। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों, ये कितना मेहनत कर रहा है दूध पीने के लिए और इसका पैर देखिए कैसे पैर मोड़ मोड़ के दूध पी रहा है मेरा बच्चा। जैसे मुझे सब वैसे सोए हैं सब, इनको देखें, ये पता नहीं किसलिए मुँह चला रहे हैं। सब अपनी मम्मी के ऊपर चढ़े हैं, दूध मिले या ना मिले सब। एक तो अपनी मम्मी के मुंह के पास ही हैं दो बच्चे और मम्मी खर्राटा मार के सो रही हैं एग्रेसिव मम्मी। आजकल इनकी फ्रेंडशिप हो गई है, हमसे दोस्ती कर ली है, मेरे ऊपर पहले की तरह चढ़ने लगी हैं। हमको उठाती है, बोलती है मम्मा बाहर ले चलो, शुसू लगा है, मुझे फ्रेश होना है मम्मा। तुम बोले जाते हैं, जब ये जाते हैं तब इनके बच्चों को हटा के सब झाड़ू पोछा सब लगाते हैं। दिन में कई कई बार मैं फिनाइल डाल के और बहुत फ्रेगनेंस के लिए भी मैं डाल के रूम को वो करती हूँ, क्योंकि रहते तो वो लोग इसी रूम में है ना, तो अपने तरफ से मेरा जितना भी सफाई हो पाता है मैं करती हूँ। तो अभी तो ये सब जूझे हुए हैं दूध पीने में, सोने में। बहुत रोते हैं ये लोग, बहुत रोतड़ू बच्चे हैं। जैसे ही ये लोग जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इनको गोद में लेके खिला लेना, सब रोने लगते हैं एक साथ। इनकी मम्मी चली गई हैं, अब मम्मी रहती हैं तो सब शांत रहते हैं। देखिए इन लोगों को, कितने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राही हैं मेरे। रुको रुको रुको, दे रहे हैं दे रहे हैं ये। अरे ये दोस्तों करी है, खाने के चक्कर में हमसे। मूंगफली खा रही है, मूंगफली। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों का भी दूध आया तो एक टाइम तो इन लोगों का भी दूध पिलाना ही है। तो बस वही ट्राई कर रहे हैं। एक दो बच्चों को मैं पिला चुकी हूँ, ये इसको पिला रही हूँ। जो बच्चे निप्पल से नहीं पी पा रहे हैं उनको मैं ड्रॉपर से भी पिला रही हूँ, जो दवा वाला ड्रॉपर होता है। दोनों तो पिला, देखिए कैसे पी रहा है छोटा सा मेरा बच्चा। कितना सोना लग रहा है मेरा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। अब हम ड्रॉपर से पिलाएंगे क्योंकि ये पी नहीं रहा है। पापा स्टाला को अंदर ले आए हैं, दरवाजा खोल दिया, वो अंदर आ गई, इसलिए हम तुरंत उसके बच्चे को रख दिए, नहीं तो वो देख के गुस्सा होने लगेगी। फ्रेंड्स, ये हरा वाला मूंग है, उसका दाल बनाए हैं और काले मसूर मिक्स करके। ये इसमें मैंने तड़का बनाया था तो मैंने इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया है और इसमें मैं धनिया से गार्निश करूँगी इसको। तो आज मैं दाल और रोटी बनाऊँगी। देखिए कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। अब मैं आटा सानूँगी, ये प्लेन आटा पापा के लिए है और अपने लिए मैं थोड़ा सा बाजरे का आटा मिक्स करके सानूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। अलग गई है ऊपर खाना खाने में, पैंथर के साथ खेल रही है वो। अब वो नॉर्मल हो रही है, अब वो बाहर जाती है। तो देखिए सब इनके बच्चे सो रहे हैं, देखिए देखिए इनको देखिए। अब इन लोगों को ड्रॉपर से दूध पिलाए हैं। वैसे तो स्टेला पिलाती है दूध,
और सब बच्चों का पेट भरा होता है, बट मैं अलग से भी दूध पिलाती हूँ। और मतलब उन लोग का एक डॉग वाला दूध है, मतलब पाउडर वाला, उसको गर्म पानी में मिला के पिलाया जाता है। तो अभी धूप है इसलिए खिड़की खोल दिए हैं, तो धूप अंदर आ रहा है। और चौथी बार हम पोछा लगा रहे हैं फिनाइल डाल के, क्योंकि स्टेला को मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग टाइप्स हो रहा है ना, तो इसलिए साफ करते रहते हैं। जब भी वो बाहर जाती है तो एक राउंड हम पोछा जरूर लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, इन लोगों को बिस्तर को धूप लगा देते हैं, सब चीज़ करते रहते हैं। देखिए कितने आराम से सो रहे हैं, इनकी मम्मी रहती है ना तो बहुत आराम से सोते हैं, इनकी इन लोग को गोदी उठा रहते हैं ना तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए लोग एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के सो रहे हैं लोग। फ्रेंड्स देखिए, उधर स्टेला है और उधर पैंथर है। दिन में चार चार पाँच पाँच बार पोछा लगाते हैं, फिनाइल से रगड़ रगड़। देखिए जमीन चमक रहा है, शाइन कर रहा है जमीन। और इस रूम में गायत्री से भी नहीं लगवाते हैं, इस रूम में हम खुद ही लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो इतने ज्यादा सफाई वाले बनते हैं ना कि खुद के घर में तो सफाई नहीं करते हैं, सफाई नाम की कोई एज भी नहीं है। और लेकिन दूसरों का जज बहुत करते हैं कि स्मेल आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पहले आप अपने घर को देखिए कि कैसा आपका घर है, फिर आप दूसरों को जज करिएगा। हम इतने सारे कुत्तों को रखकर, मतलब जो अभी तो बच्चे 10, 11वां स्टेला, 12वां पैंथर, और ये लोग इसी रूम में रहते हैं, इसी रूम में सोते हैं, इसी रूम में दिन भर रहते हैं, फिर भी मेरा रूम साफ रहता है और अच्छा ही महकता है, फ्रेग्रेंस अच्छा रहता है। फ्रेग्रेंस के लिए भी हम इसमें फ्रेग्रेंस के लिए भी पोछा लगाते हैं। तो और यहाँ पे लोग बहुत जल्दी जज करते हैं, अगर उनके ऊपर ये सब चीज पड़ जाए ना तो अपनी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जज करने के लिए दूसरों को तो भाई वो तो फ्री का काम है जज करना। तो बस हम इन लोग के प्रेजेंस में इन लोग को रख कर अपना घर साफ रखते हैं और सारा चीज साफ है, और जिसको अपने ऊपर लेना है ये बात वो ले ले, आई डोंट केयर। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।